और जिस तरह की कहानी बताई जा रही है इस मंदिर के पीछे, तो सच में जी वह आश्चर्यजनक है और सच में कोई चमत्कार ही है। पहले पौराणिक किताब जो रचित किया गया था और इसके सड़क से किनारे एक नदी है जहाँ पे बाली सुग्रीव का रामायण में है, बाली सुग्रीव का कहा जाता है, यहाँ स्नान करते थे और इसी मंदिर में अच्छा जल निसार करने के लिए आते थे। सौड़िया के राजा रहते थे। अच्छा, तो इस मंदिर का रूपरेखा हम अपने में ढाले, यानी सौड़िया में इसी तरह का मंदिर बनाए। उनका शौक था कि यहाँ का शिवलिंग भी लेके चले जाए, हाथी तक को यहाँ पे शिकर लगाए शिवलिंग में, हाथी से खिंचवाए, कुल्हाड़ी चलवाए, क्या क्या नहीं किए, शिवलिंग में दाग है, कुल्हाड़ी वगैरह चलाए थे, उनके सैनिक सब जो चलाए थे अभी भी दाग है शिवलिंग में। हम लोग जी पहुंच गए भारीडीह शिव मंदिर और अब यहां से चल रहे हैं पूजा करने के लिए। रास्ते में जो है कुछ भी हमने शूट नहीं किया था, उस समय जो है मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो चलते हैं। वैसे मौसम अभी थोड़ा अच्छा है, धूप भी है और हवा भी चल रही है और यहां का जो नज़ारा है वह भी काफी अच्छा लग रहा है, एकदम शांत हरा भरा। आगे सभी लोग चल रहे हैं, आराम से आओ ना। गृहंश जा रहे हैं अपनी दादी के साथ और बाकी डैडी, वर्षा, आंटी सभी लोग आगे हैं। तो यहाँ पर लग रहा है जी सरकारी स्कूल भी है, सरकारी स्कूल के सामने है ठीक मंदिर। बिल्डिंग का कलर देख करके नहीं लग रहा है, पूछ लेगा कि कहाँ है तो विद्यालय के बगल में। तो हसनगंज से जी यहाँ लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास नया जगह है। कटिहार बढ़ाने के बावजूद भी हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन कचहरी में इनके मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में तुम्हारे डैडी को जानकारी मिली थी। अच्छा, लगा एक बार प्रभु के चरण में हम भी हाजिर हो आते हैं, देखो अब इनकी दया दृष्टि क्या होती है। तो जल्दी से जी यहाँ पर पैर धो लिया जाए, फिर चलेंगे मंदिर के अंदर। और वैसे वहाँ पर देख रहे हैं बोरिंग चलते हुए, एक बार जूम कर देता हूँ आपको, अच्छे से दिखेगा, पता नहीं नज़र आ भी रहा होगा कि नहीं यहाँ से। वहाँ देख सकते हैं बोरिंग को। मेरा बचपन जी गांव में ही बीता है, लगभग 6-7 साल जो हम गांव में ही रहे हैं और इस तरह का जो बोरिंग हुआ करता था वहाँ पर खूब नहाते थे हम लोग, अच्छे से ध्यान है। और कभी मौका मिलेगा भी फिर से उस बचपन को जीने का तो एक बार ज़रूर जियेंगे। सभी तो पूजा कर लिए जी, बस बारी है पूजा करने की दीदी की, दीदी मतलब हमारी माँ की, हमारी माँ जा रही है पूजा करने देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ आसपास भोजन का व्यवस्था हो तो करेंगे, क्योंकि घर से हम लोग खा करके नहीं निकले थे, सोचे थे जब पूजा कर लेंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे। एक तो बरगद का पेड़ है, वहाँ भी कर लेना, वहाँ पर है बरगद का पेड़, बरगद नहीं है पीपल का है। यहाँ पर ज्यादातर लोग सब कब आता है? शिवरात्रि सब में। अच्छा, भीड़ लगता है खूब? सुने थे हम लोग कटिहार में रहते हैं, आए हम लोग भी कटिहार से यहाँ मिलाने को कहाँ लिया, बस सुने भी आए तक मौका नहीं मिल रहे थे, आए लिए हम सब। हाँ, सोमवारी में रहे थे, की लागे थे समियाने सब लागे थे की टेंट सब। वो चाची जी बता रही हैं कि आप लोग कभी सोमवार को आइएगा, यानी तो शिवरात्रि के समय आइएगा, उस समय जो यहाँ का माहौल रहता है वह देखने लायक रहता है। कभी मौका नहीं मिल पाया लेकिन सोच रहे हैं कि इस बार जरूर आएंगे, शिवरात्रि में से हम लोग जाते हैं। वहाँ हमारा जो गांव है उसी के बगल में एक और गांव है धीमा, तो वहाँ पर जाते ही हम लोग शिव की पूजा करते हैं। वैसे इस बार सोचते हैं कि कटिहार के बगल में है तो एक बार यहाँ भी देख लिया जाए। और यहाँ पर क्रियांश जो है मजे में बैठा हुआ है, या एसी फैल है? खुला वातावरण है, जाएगा ना हमें, जाएगा बच्चा मिलते तो पंपी से। हाँ, तो बहुत नहाता था उसके।
मंदिर के बारे में अगर कुछ बता सकते हैं तो? महाशिवरात्रि का मेला जो लगता है यहाँ पे, यहाँ का जो मंदिर है भारीडीह नाम से जाना जाता है, शिव मंदिर भारीडीह। यहाँ एक बड़ा मंदिर है, आपरूपी मंदिर है। मेरा उम्र कम से कम 50-55 हो गया है। हम लोगों ने बुजुर्गों के मुँह से सुना कि इस मंदिर को किसी ने नहीं देखा बनाते। अच्छा, ये खुद मतलब रात में ही बन के तैयार हो गया। और उसमें जो है आगे जो मंदिर के नेम प्लेट जो होना चाहिए, नाम वगैरह होना चाहिए किसने निर्माण किया इस मंदिर का, उसमें भी लिखना भूल गए। मैंने इसका अनुमान ये होता है कि सुबह हो गई होगी। भीतर में है पार्वती माँ का जो स्तंभ है, उसमें जो कैथी अक्षरों में लिखा हुआ है। कैथी हम लोग पढ़े लिखे है नहीं, हाँ, तो ये हम लोग अननोन है क्या है नहीं है, किसने बनाया। रात भर में ही मंदिर बना। अच्छा, किसी को पता नहीं चला रात भर में बना। ऐसे ये यहाँ का जो मंदिर है बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। महाशिवरात्रि का मेला फागुन महीने में बहुत धूमधाम से लगता है। और यहाँ का जो जमीन है मेले का, वो हमारे दादाजी के नाम से है, स्वर्गीय रूपलाल महतो के नाम से। अच्छा जी। और उन्होंने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाए, वो स्वर्गवास हो गए। उनके बाद मेरे बड़े पापा भी यहाँ पर जो है इस मेले का देख रेख किए, उसके अच्छा। बाल बच्चे हैं भी सब देख रेख कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ आदेश नहीं मिला है, सहायता राशि नहीं मिला है कि ताकि इनको एक दार्शनिक स्थल के रूप में देखा जाए। जैसे बहुत दूर दराज से लोग मेला, साधारण मेला देखने आते हैं, साधारण मेला भी देखने के लायक मेला होता है। तो इसमें यदि सरकार का जो मदद होता है, हेल्प होता है, तो फिर ये बहुत दार्शनिक स्थल के रूप में देखा जाएगा इसको। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये छोटी मंदिर है, वो जो है उसको मसोमत बर्ती ने बनाया। अच्छा। और उसमें मैंने अपने, जब मैं 14-15 साल के उम्र का था, उस समय मैंने देखा एक बहुत जो काला वगैरह सांप होते हैं, जिसको दराज सांप के नाम से जानते हैं, तो वो शिवलिंग जो है, शिवलिंग में पूरे लपेट के थे। और हम लोग बच्चे आदमी क्या जानने गए, जो छोटे छोटे बच्चे कुछ कंकर पत्थर भी मारते थे, लेकिन अंततः जो है वो नाली जो होता है पानी भागने का मंदिर के भीतर से, तो उसके द्वारा निकला। अच्छा। निकला तो एक मछुआ ने उस परिवार की अब पहला बार चूका, दूसरा बार में जो है वहीं सर पटक के डेथ कर गया। उसको उस नाक को जो है इसी जगह जो है दफन बाबा जो मंदिर के पुजारी थे उनका भी वहीं पे दैहिक संस्कार किया गया, और उस नाग का भी उसी के बगल में दैहिक संस्कार किया गया। और उसके तत्पश्चात 7 दिन के अंदर में इस बड़े मंदिर में भी यहाँ की पुजारी संध्या के समय गई आरती दिखाने के लिए, और वहाँ पे फिर पतले सांप, हाँ बहुत लंबी लंबी सांप, वो भी शिवलिंग को लपेट। और इसका सीधा अर्थ ये होता है कि यहाँ भोले बाबा का वास है। बाबा धाम, गंगा धाम और सब धाम जितने भी हैं यहाँ की पुण्य भूमि से कम नहीं है। दार्शनिक स्थल के रूप में इनको देखा जाए, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाए, और मैं धन्यवाद अदा करूँगा सरकार का, जो कि यह बहुत प्रसिद्ध और जागृत मंदिर है, इसलिए यहाँ को सहयोग करके विकास किया गया। कटिहार से इंजीनियर साहब नाम हमको पता नहीं, बीच में जो इंजीनियर साहब कुछ आए थे 5 वर्ष पूर्व, किरातेश्वर नाम ये स्थान को किरातेश्वर नाम का उन्होंने दिखाया। पहले पौराणिक किताब जो रचित किया गया था, और इसके सड़क से किनारे एक नदी है जहाँ पे कि बाली सुग्रीव का जो रामायण में है, बाली सुग्रीव का वहाँ पर कहा जाता है, तो वो लोग यहाँ स्नान करते थे और इसी मंदिर में अच्छा जल निसार करने के लिए आते, ऐसा उन्होंने कहा। और हम सरपंच जी बलवा पंच, यहाँ के मुखिया हैं श्रीकांत लाल मुर्मू उर्फ हवा जी, प्रमुख है अभी नीलू देवी जो आपका हसनगंज केलाबाड़ी के हैं। तो एज ए सरपंच आप हैं, तो मान लीजिए आप अपने जनता को कहिए एक आवेदन दे करके, वो पंचायत समिति के बैठक में अपना प्रस्ताव रखिए इस मंदिर का, अपना नाम दे करके खाता के साथ रखवा में आवंटन हो जाएगा तो मंदिर बन जाएगा। हम अपने प्रखंड वैसा बहुत मंदिर बना चुके, ये भी प्रमुख, इसलिए आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आराम से बाउंड्री हो जाएगा, ग्रिल लगेगा, टैक्स लग जाएगा। इस वर्ष जिला पार्षद जो अभी, अगर जिला पार्षद जी देंगे वो भी बोले हैं कि हाँ वो भी कर सकते हैं, बाउंड्री वाल कराएंगे। अगर मुखिया जी करें तो सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रमुख के पास उतना फंड नहीं होता है, और मुखिया जी बहुत बेहतर कर सकते हैं, या जेंट्स होंगे तो कर सकते। हमारे उप मुख्यमंत्री
एक्चुअली तारकिशोर प्रसाद जी ने, उन्होंने भी आश्वासन दिए थे अभी तो सप्ताह में नहीं पर्यटन स्थल के रूप में इनको हम घोषित करेंगे और इनके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार गिर गई, गिर गई। देखिए मुखिया तो अभी परमानेंट है ना, अगर पंचायत समिति की बैठक में आप लोग पास करा देंगे तो वह नहीं काट सकते हैं, सोच करके भी फंड को इधर उधर नहीं कर सकते, धार्मिक ट्रस्ट से मिल जाएगा तो आराम से हो। सौरिया के राजा रहते थे। अच्छा, हाँ उस समय इस मंदिर का जो रूपरेखा था उन्होंने सोचा कि इसी को, इस मंदिर का रूपरेखा हम अपने में ढालें, यानी सौरिया में इसी तरह का मंदिर बनाए, मंदिर बनाए, लेकिन हूबहु जो होना चाहिए वो नहीं बना पाए। उनका शौक था कि यहाँ का शिवलिंग भी लेके चले जाए, तो हम लोगों ने सुना देखा तो नहीं है, उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं था, तो हाथी तक को यहाँ पे शिकर लगाए शिवलिंग में, हाथी से खिंचवाए, कुल्हाड़ी चलवाए, क्या क्या नहीं किए, रावण ले जा सका, इस तरह से जो है उनका सर्वनाश भी हो गया। हम लोगों ने जो सुना है कि उनका बाल बच्चा भी नहीं है, तो उनका ये कैसा शौक था पता नहीं, भगवान जाने। महादेव को है, रावण को जैसा शौक था वैसा ही शौक, अहंकार जो है ना क्षण भर में दूर हो जाता है, भगवान के सामने अहंकार दिखाई देता है, इच्छा होगा वही जाएंगे, समाप्त कर देंगे, करोड़पति है तो आपके घर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ भिखारी है उनका दिल करेगा तो वही वो जाके, अभी भी शिवलिंग में दाग है, कुल्हाड़ी वगैरह चलाए थे उनके सैनिक सब जो चलाए थे, अभी भी दाग है शिवलिंग में, हम अपने राज रावण अपने उनको, लेकिन शिवलिंग मस नहीं हुआ। ऐसे मौका मिलेगा तो शिवरात्रि के अवसर में आइएगा, काफी भीड़ होती है, जरूर आएंगे हम, बहुत भीड़ होती है, लगेगा कि बिहार का ये सेकंड शायद मेला लगता है, खुशी मिली जान करके शिवरात्रि में भीड़ होता, लेकिन मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो बैठक होगा उसमें जरूरी प्रस्ताव एकदम रखिएगा, चाहे जिला पार्षद जी करें मुखिया जी। जी हो गई यहाँ पर बाबा की पूजा, और बाबा की पूजा करने के बाद जो है अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं अपने कटिहार की तरफ। अच्छा लगा जी जानकर कि यहाँ पर जागृत मंदिर है और यहाँ पर हम लोग आए, बाबा के दर्शन किए और काफी तसल्ली से अभी पूजा हुई, और यह जो जगह है यह भी काफी दार्शनिक है और काफी शांत है, एकदम हरा भरा है, क्या कहें, एकदम मन मोह लेगा यहाँ का जो भी नेचर है। तो उम्मीद करते हैं जी सरकार जो है यहाँ के लोगों की मांग पर ध्यान देगी, वह सभी चाहते हैं कि इसको पर्यटक स्थल जो है घोषित किया जाए, क्योंकि यह जो है काफी ही जागृत मंदिर है, और जी जिस तरह की कहानी बताई जा रही है इस मंदिर के पीछे, सच में जी वह आश्चर्यजनक है और सच में कोई चमत्कार ही है। तो सभी लोग जो यहाँ गाड़ी में रुके हुए हैं अभी यहाँ से निकले नहीं है, और जो बारिश हो रही थी कुछ देर पहले वह भी बंद है, अब एकदम बिल्कुल धूप है, इसलिए रुकना पड़ा, को भूख लग गया था, तूफान मचा दिया था, जब उसको दूध नहीं पिलाते कैसे जाते। तो क्रियांश को देख सकते हैं यहाँ पर अपना दूध पी रहा है, कितना गीला, आप देखो नहीं पिया, अच्छा इतना छोड़ दिया, नौटंकी देखा ना उसका, चिल्लाया नौटंकी अपने बाप पर गया है, अच्छा दादा भी उससे ज्यादा नौटंकी, बात नया साड़ी में मुँह पूछा।